ये कहानी एक चुलबुल लड़की चुनमुन की है जो अपनी माँ सुनीता के साथ रहती थी। वो पढ़ाई के साथ साथ घर के कामों में माँ की मदद भी किया करती थी। वहीं चुनमुन की माँ सुनीता जंगल में से फलों को तोड़कर बाजार में बेचा करती। जैसे तैसे उनका जीवन कट रहा था। एक बार चुनमुन गुनगुनाते हुए कुएं से पानी लेकर घर लौट रही थी, तभी एक बूढ़ी औरत चुनमुन से बोली, क्या बात है चुनमुन बिटिया, आज तो तुम बड़ी खुश नजर आ रही हो। पता है अम्मा, आज माँ ने बड़े दिनों बाद मेरे लिए आलू के पराठे बनाए हैं। ओह अच्छा, मुझे नहीं खिलाओगी बिटिया? हाँ माँ, आप भी मेरे साथ घर चलिए, आप भी जी भर कर खाना आलू के पराठे। नहीं बिटिया, भगवान तुम्हें खूब दे, जाओ तुम्हारी माँ घर पर तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। चुनमुन मुस्कुराते हुए घर की ओर चल पड़ी। घर पहुंचकर चुनमुन माँ को पुकारने लगी, माँ मैं आ गई, कहाँ हो तुम? आ गई तुम? मैं कब से तुम्हारी राह देख रही थी, मैंने तुम्हारे लिए आलू के पराठे बनाए हैं, गर्मा गर्म खा लो। माँ तुम कितनी अच्छी हो, आज तुमने कितने दिनों बाद मेरे लिए आलू के पराठे बनाए हैं। अब बस बोलती ही रहोगी या फिर खाओगी भी? अरे माँ मैं अकेले नहीं खाऊंगी, मैं अपनी सहेली बिजली के साथ मिलकर खाऊंगी। माँ जल्दी से आलू के पराठे पोटली में बांध दो, मैं उसके संग खाऊंगी, वो मेरा इंतजार कर रही होगी, उसे भी आलू के पराठे बहुत पसंद है। ओह अच्छा, एक मिनट रुको, पर जल्दी खा लेना वरना ठंडा हो जाएंगे। ठीक है माँ। उसके बाद पोटली में आलू के पराठे बांध चुनमुन गुनगुनाते हुए सहेली बिजली के घर की ओर चल पड़ी। तभी रास्ते में रोजी और डोली नाम की दो जुड़वा परियां आसमान से होते हुए जा रही थी। तभी उन्हें जोरों की भूख लगी। डोली मुझे बड़ी जोरों की भूख लग रही है। भूख तो मुझे भी लग रही है, कितनी देर से खाली पेट घूम रहे हैं, कुछ बढ़िया सा खाने को मिल जाता तो मजा ही आ जाता। तभी उनकी नज़र चुनमुन पर पड़ी। वो लड़की जरूर कुछ खाने का सामान लेकर जा रही है, चलो चलकर उससे पूछते हैं। फिर दोनों परियां उड़ते हुए चुनमुन के पास जा पहुंची। चुनमुन उन दोनों को देखकर चौंक गई। हमें बहुत भूख लगी है, क्या तुम्हारे पास कुछ खाने के लिए है? आप दोनों कौन हो? हम बड़ी दूर से आए हैं, हम परीलोक की परियां हैं, क्या तुम हमें कुछ खाने को दे सकती हो? चुनमुन दोनों परियों की बात सुन बड़ी ही भोलेपन से बोली, परीलोक की परियां? अच्छा तो आप वही हैं जो किताबों में होती हैं? हाँ हम वही हैं। वैसे तुम्हारी पोटली में क्या है? मेरी पोटली में आलू के पराठे हैं, क्या आप खाओगे, मेरी माँ ने बनाए हैं। हाँ हाँ क्यों नहीं, ये लो खा लो। दोनों परियां आलू के पराठे बड़े ही चाव से खाने लगी और देखते देखते आलू के पराठे खत्म हो गए। आलू के पराठे खाकर तो मजा ही आ गया, सच में बहुत ही स्वादिष्ट पराठे थे। आलू के पराठे तो सारे खत्म हो गए, अब मैं अपनी सहेली बिजली को क्या खिलाऊंगी? दोनों परियों ने चुनमुन के मन की बात जान ली। फिर वो दोनों मुस्कुराते हुए बोली, चुनमुन हम तुम्हें कुछ देना चाहते हैं, हमारी तरफ से छोटा सा उपहार समझ कर रख लो। ये कहते हुए दोनों परियों ने अपनी जादुई छड़ी घुमाई और एक छोटा सा मिट्टी का बर्तन चुनमुन के हाथों में प्रकट हुआ। ये जादुई बर्तन है, इस बर्तन से तुम जो चाहे मांग कर खा सकती हो। क्या सच में? हाँ सच में, तुम एक बार मांग कर तो देखो। ठीक है, जादुई बर्तन मुझे हलवा चाहिए। तभी एक चमत्कार हुआ और मिट्टी का बर्तन स्वादिष्ट हलवा से भर गया। वाह कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, क्या सच में ये बर्तन अब मेरा है, मैं इसे अपने साथ घर ले जा सकती हूँ? हाँ चुनमुन, आज से ये बर्तन तुम्हारा है, सच में ये कितनी भोली है ना। चुनमुन खुश होते हुए जादुई बर्तन लेकर वहाँ से चली गई। वो रास्ते में चलते चलते सोचने लगी, बेचारी बिजली मेरा इंतजार कर रही होगी, माँ के हाथ के बने हुए आलू के पराठे तो खत्म हो गए। कोई बात नहीं, इस जादुई बर्तन से कहकर मैं उसे ढेर सारे पराठे खिलाऊंगी और खुद भी खाऊंगी। कुछ देर बाद चुनमुन बिजली के घर पहुंची। बिजली कहाँ हो तुम, जल्दी बाहर आओ। अरे चुनमुन तुम आ गई, मेरे लिए आलू के पराठे लेकर आई हो ना? आलू के पराठे तो नहीं है, पर मैं ये मिट्टी का बर्तन लेकर आई हूँ। अब तुम क्या मुझे मिट्टी का बर्तन खिलाओगी, इस तरह के फालतू बर्तन मेरे पास बहुत है। अरे नहीं तुम बस देखती जाओ, जादुई बर्तन बिजली के लिए गर्मा गर्म आलू के पराठे दे दो। अरे ये तुमने कैसे किया चुनमुन, क्या कहीं से जादू सीख कर आई हो? अरे नहीं मैं तुम्हें पूरी बात बताती हूँ, पहले गर्मा गर्म आलू के पराठे खाते हैं। दोनों ने मिलकर आलू के पराठे मजे से खाए। फिर चुनमुन ने बिजली को जादुई बर्तन के बारे में बताया। ये जादुई बर्तन मुझे मिल जाए तो मजा आ जाएगा। लगता है कुछ ज्यादा ही आलू के पराठे खा लिए मैंने,
अब मुझे बहुत जोरों की नींद आ रही है। अच्छा अब मैं घर चलती हूँ। अरे तुम इतनी तेज धूप में कहाँ जाओगी, कुछ दिन मेरे घर पर ही सो जाओ, ये भी तो तुम्हारा ही घर है। बिजली की बात मान चुनमुन कमरे में जाकर सो गई। चुनमुन के सोते ही बिजली ने चुपचाप जादुई मिट्टी के बर्तन को बदल दिया। थोड़ी देर बाद चुनमुन नींद से जाग गई। बहुत देर हो गई, अब मुझे चलना चाहिए, माँ घर पर इंतजार कर रही होगी। अच्छा बिजली अब मैं चलती हूँ। जादुई बर्तन लेकर चुनमुन घर की ओर निकल गई। वहीं बिजली मन ही मन मुस्कुराने लगी। थोड़ी देर बाद चुनमुन घर पहुँची। माँ देखो मुझे क्या मिला है, एक जादुई बर्तन। क्या कहा, जादुई बर्तन? हाँ माँ ये देखो जादुई बर्तन, माँ को गर्मा गर्म हलवा खिलाओ। लेकिन इस बार कोई चमत्कार नहीं हुआ। ये देख चुनमुन को बड़ी हैरानी हुई। अरे ये क्या, लगता है जादुई बर्तन को हलवा नहीं पसंद, कुछ और मांग कर देखती हूँ। जादुई बर्तन मुझे खीर चाहिए। फिर भी बर्तन से कुछ नहीं निकला। चुनमुन भला बर्तन में से अपने आप खीर कैसे निकलेगी, कहीं तुम पागल तो नहीं हो गई? अरे नहीं माँ मेरा विश्वास करो, ये सच में जादुई बर्तन है। तो अब क्या हुआ, इसका जादू खत्म हो गया? पगली कहीं की जादुई दुनिया से बाहर आओ। पर ऐसे कैसे हो सकता है, चुनमुन सोच में डूब गई। अगले दिन चुनमुन उसी जगह पहुंची जहां उसे वो दो जुड़वा परियां मिली थी। तभी वहां जादुई परिया प्रकट हुई। चुनमुन को देख वो बोली, अरे चुनमुन कैसी हो और कैसा लगा हमारा जादुई उपहार? कैसा जादुई उपहार, आपने तो बताया नहीं था कि बर्तन सिर्फ कुछ ही देर के लिए अपना जादू दिखाएगा। ये तुम क्या कह रही हो चुनमुन? मैं सच कह रही हूँ, माँ भी मेरा मजाक उड़ा रही थी। दुखी मत हो चुनमुन, इस बार हम तुम्हें उससे भी बढ़िया उपहार देते हैं, ये लो। ये कहते हुए परियों ने चुनमुन को एक डफली दी। मैं इस डफली का क्या करूँगी? ये मामूली डफली नहीं है बल्कि जादुई डफली है। इस डफली को बजाने से सोने के सिक्के निकलते हैं। क्या सच में? हाँ तुम एक बार डफली बजा कर तो देखो। चुनमुन ने जैसे ही डफली बजाना शुरू किया, सोने के सिक्के एक एक कर गिरने लगे। ये देख चुनमुन बोली, क्या ये जादू पहले की तरह कुछ ही समय का होगा? नहीं चुनमुन, इसका जादू कभी खत्म नहीं होगा। अब जाओ और अपनी माँ को इस डफली का जादू दिखाओ, माँ देखकर बहुत खुश होगी। परियों का धन्यवाद कर चुनमुन जादुई डफली लेकर घर की ओर चल पड़ी। लेकिन रास्ते में चुनमुन ने सोचा, एक बार बिजली से मिलती हुई चलती हूँ और उसे अपनी जादुई डफली भी दिखाऊंगी। ये कहते हुए चुनमुन बिजली से मिलने उसके घर पहुँची। बिजली कहाँ हो तुम, जल्दी से बाहर आओ। अरे चुनमुन तुम और तुम्हारे हाथ में क्या है? ये एक जादुई डफली है, इसे बजाने से इसमें से सोने के सिक्के निकलते हैं। क्या सच में, मुझे भी दिखाओ ना जादू। हाँ क्यों नहीं, मैं अभी तुम्हें जादू दिखाती हूँ। ये कहते हुए चुनमुन ने डफली बजाना शुरू किया और सोने के सिक्के एक एक कर गिरने लगे। अरे वाह चुनमुन, तेरे पास तो बड़ी कमाल की डफली है। अच्छा बिजली अब मैं चलती हूँ, माँ ये देखकर बहुत खुश होंगी। अगर ये जादू डफली मुझे मिल जाए तो मैं रातों रात बहुत अमीर बन जाऊंगी। अरे रुको चुनमुन, देखो कितनी तेज धूप हो रही है, मैं तुम्हारे लिए एक ग्लास नींबू पानी बना देती हूँ, उसे पीकर चली जाना। तुम कहती हो तो नींबू पानी पीकर जाऊंगी। बिजली ने रसोई में जाकर चुनमुन के लिए एक ग्लास नींबू पानी बनाया और चुपके से उसमें नींद की गोली मिला दी। ये लो चुनमुन नींबू पानी जल्दी से पी लो। चुनमुन ने खुश होते हुए नींबू पानी पिया। चुनमुन कैसा लगा नींबू पानी? नींबू पानी तो बढ़िया था, पता नहीं नींद क्यों आ रही है मुझे। नींद आ रही है तो सो जाओ, थोड़ी देर बाद घर चली जाना। बात करते करते चुनमुन को नींद आ गई। बिजली ने तुरंत मौके का फायदा उठाया और जादुई डफली को साधारण डफली से बदल दिया। थोड़ी देर बाद चुनमुन नींद से जाग गई। ओह बहुत देर हो गई, अब मुझे घर चलना चाहिए। अच्छा बिजली अब मैं घर चलती हूँ। चुनमुन डफली को लेकर घर की ओर रवाना हुई। कुछ देर बाद चुनमुन घर पहुँची। माँ देखो आज मैं क्या लेकर आई हूँ, जादुई डफली। इस डफली को बजाने से इसमें से सोने के सिक्के निकलते हैं। चुनमुन तुम्हें हो क्या गया है, लगता है तुम ज्यादा ही जादुई किताबें पढ़ने लगी हो। कल तो मिट्टी के बर्तन को जादुई कह रही थी और आज इस डफली को। नहीं माँ मैं सच बोल रही हूँ, यकीन ना हो तो मैं अभी दिखाती हूँ। इतना कहकर चुनमुन ने डफली बजाना शुरू किया, लेकिन उसमें से एक भी सोने का सिक्का नहीं गिरा। ये देख गुस्से से चुनमुन की माँ बोली, चुनमुन तुम्हें हो क्या गया है, रास्ते में पड़ा कुछ भी चीज उठा लेती हो और उसे जादुई बताती हो। अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो समझी, आईना से कुछ भी उठाकर घर मत ले आना। चुनमुन को अपनी माँ की बात सुन बहुत दुख हुआ।
फिर वो अगले सुबह उठकर उसी जगह गई जहां उसे दोनों परियां मिली थी। सुबह से दोपहर हो गई, चुनमुन वही उदास बैठी हुई थी। तभी दोनों परियों ने उसे देखा। अरे चुनमुन, तुम इस तरह यहाँ उदास क्यों बैठी हुई हो? माँ ने मुझे बहुत डांटा। पर क्यों? आपने मुझे इस बार भी जादुई डफली बोलकर मामूली डफली थमा दिया। आपने मेरे साथ इतना बड़ा मजाक क्यों किया? मैंने तो आपको स्वादिष्ट आलू के पराठे खिलाए थे। फिर आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? ऐसा कैसे हो सकता है? हमने तुम्हें दोनों बार जादुई उपहार दिए थे। तुम चुप हो जाओ चुनमुन, हम अभी सच्चाई का पता लगाते हैं कि आखिर ऐसा हुआ कैसे। फिर दोनों परियों ने अपनी आंखें बंद की और सारी सच्चाई जान ली। चुनमुन, तुम्हारी सहेली बिजली ने तुम्हारे जादुई बर्तन और डफली चुराई है। नहीं, वो मेरी पक्की सहेली है, वो मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। तुम्हें सच्चाई जाननी है तो हम तुम्हें जादुई हंटर दे रहे हैं। तुम्हें बस हंटर को सिर्फ इतना कहना है कि जाओ हंटर और अपना कमाल दिखाओ, फिर देखना तुम्हें तुम्हारा जादुई बर्तन और डफली वापस मिल जाएगा। दोनों परियों की बात मान चुनमुन जादुई हंटर लेकर बिजली के घर पहुँची। बिजली, कहाँ हो तुम? जरा एक मिनट बाहर तो आना। कहीं चुनमुन को पता तो नहीं चल गया? पता भी चल गया तो क्या हुआ, वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। ये कहते हुए बिजली घर के भीतर से बाहर आई। मुझे सच्चाई का पता चल गया है, तुमने ही मेरा जादुई बर्तन और डफली चुराया है ना? चुपचाप जल्दी से वापस करो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर चोरी का इल्जाम लगाने की? मैं क्या करूँगी तेरी चीजें चुरा कर? चल जाओ यहाँ से। अच्छी बात है, लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगी। चल हंटर, अपना कमाल दिखा। बस फिर क्या था, जादुई हंटर उड़ते हुए बिजली के पास जा पहुँचा और उस पर कोड़े बरसाने लगा। बिजली दर्द से करहाने लगी। चुनमुन बचाओ मुझे, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारा जादुई बर्तन और डफली लौटा दूंगी। बस तुम्हें हंटर को रोक दो। हाय, मर गई रे। हंटर रुक जाओ। चुनमुन के कहने पर जादुई हंटर रुक गया। बिजली ने फौरन जादुई बर्तन और डफली चुनमुन को लौटा दी। फिर चुनमुन खुशी खुशी अपना जादुई उपहार लेकर अपने घर लौट गई। माँ देखो मैं क्या लेकर आई हूँ, इस बार सच में ये दोनों जादुई है, देखो मैं दिखाती हूँ। ऐसा कहकर चुनमुन ने जादुई बर्तन से स्वादिष्ट खाना और डफली बचाकर सोने के सिक्के निकालकर दिखाया। ये देखकर चुनमुन की माँ बहुत खुश हो गई। उसके बाद चुनमुन ने माँ को सारी बात बताई। फिर जुड़वा परियों की दी हुई जादुई उपहार से वो जल्द ही अमीर हो गए और हंसी खुशी अपना जीवन बिताने लगे। नैना अपनी 2 साल की बेटी अकीरा के साथ रहती थी। जब अकीरा पैदा हुई थी उसके कुछ महीने बाद ही नैना के पति ने उसे तलाक देकर किसी दूसरी औरत से शादी कर ली थी। नैना अकीरा का बहुत अच्छे से ख्याल रखती थी, लेकिन तभी नैना को पता चलता है कि उसे ब्रेन ट्यूमर है। नैना अपने देवर राजीव और देवरानी महिमा को अपने घर बुलाती है और उनसे कहती है, महिमा मुझे ब्रेन ट्यूमर है। दीदी ये अचानक क्या हो गया? मैंने आप दोनों को बहुत जरूरी बात करने के लिए बुलाया है, मेरे पास कुछ ही महीनों का वक्त है। दीदी आप अपना इलाज करवाइए। नहीं महिमा, मेरे पास इलाज करवाने के पैसे नहीं हैं। वैसे भी ब्रेन ट्यूमर जैसी बड़ी बीमारी के बाद कोई ज्यादा वक्त तक नहीं रह पाता है। मैंने आप दोनों को इसलिए यहाँ बुलाया है कि मेरे जाने के बाद आप दोनों मेरी बेटी को अपने साथ ले जाना और इसे अपनी बेटी निया की तरह प्यार देना। भाभी आप अकीरा की चिंता मत करिए, हम उसे कभी पता ही नहीं लगने देंगे कि हम उसके असली मम्मी पापा नहीं हैं। अकीरा और निया दोनों हमारे लिए एक जैसे हैं। थोड़ी देर तक इसी तरह बातें चलती रहती है। उसके बाद महिमा और राजीव अपने घर लौट जाते हैं। कुछ महीनों बाद नैना की मौत हो जाती है। महिमा और राजीव नैना को दिए हुए वादे को पूरा करने के लिए अकीरा को अपने साथ लेकर चले जाते हैं। महिमा अकीरा को गोद में लिए बोलती है, आज से मेरी 2 बेटियाँ, एक निया और दूसरी अकीरा। अकीरा मुझे अपनी चाची नहीं बल्कि अपनी मम्मी कहकर बुलाएगी। राजीव जी ये दोनों अभी छोटी है, इसलिए कई सालों बाद भी हम ये सब पता नहीं लगने देंगे। इस तरह दोनों फैसला कर लेते हैं कि अकीरा और निया को इस बारे में पता नहीं लगने देंगे। सभी साथ में हंसी खुशी से रह रहे थे। लेकिन तभी एक दिन राजीव प्लेन से शहर आ रहा था और उसका प्लेन क्रैश हो जाता है, जिसके बाद राजीव की इस हादसे में मौत हो जाती है।
राजीव के जाने के बाद सेविंग के पैसों से कुछ महीनों तक महिमा गुजारा करती है, लेकिन सेविंग के पैसे खत्म हो जाने के बाद महिमा अस्पताल में सफाई का काम करना शुरू कर देती है। इसी तरह 15 साल बीत जाते हैं। अकीरा और निया दोनों 17 साल की हो जाती है। निया और अकीरा महिमा को इतनी मेहनत से काम करते हुए देखती थी, ये देखकर दोनों उदास हो जाती है। निया और अकीरा, यहाँ आ जाओ बेटा, मैंने नाश्ता लगा दिया है, जल्दी आओ वरना स्कूल के लिए देर हो जाएगी। चोटी बना रहे हैं माँ, चोटी बनाकर आ जाएंगी। थोड़ी देर बाद दोनों बहनें नाश्ते के लिए आ जाती हैं। दोनों बहनें नाश्ता कर रही होती है तभी महिमा कहती है, आज मुझे घर आने में देर हो जाएगी, अस्पताल की सफाई करने के बाद मुझे मुखिया के घर जाना है। दरअसल उनकी बेटी का जन्मदिन है तो उन्होंने सफाई के लिए मुझे भी बुलाया है। एक दिन काम करने के मुखिया जी मुझे 2000 रुपए देंगे, इसलिए वहाँ जाना जरूरी है। माँ, मेरा बर्थडे कब आता है? आपने तो कभी मेरा जन्मदिन नहीं मनाया। निया, तुम्हें दिखाई नहीं देता माँ कितने मेहनत से काम करती है, जैसे तैसे तो हमारे घर का गुजारा चलता है। ऐसा नहीं है, मेरे पास समय की कमी होती है इसलिए तुम दोनों का जन्मदिन नहीं मना पाती हूँ। इस बार देखना, तुम दोनों का जन्मदिन मैं बहुत धूमधाम से मनाऊंगी। माँ, जन्मदिन में सब नए कपड़े भी पहनती हैं, आप मेरे लिए नए कपड़े भी लाओगी? हाँ निया, जब तुम्हारा जन्मदिन होगा तब तुम्हारे लिए और जब अकीरा का जन्मदिन होगा तब अकीरा के लिए। तुम दोनों के जन्मदिन पर मैं बहुत टेस्टी केक भी लेकर आऊंगी। चलो मैं जा रही हूँ, तुम दोनों भी स्कूल जाओ। इतना बोलकर महिमा अपने काम पर चली जाती है। महिमा अपनी दोनों बेटियों से बहुत प्यार करती थी, इसलिए वो दोनों की सारी ख्वाहिश पूरी करने की कोशिश करती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और निया का जन्मदिन आ जाता है। निया और अकीरा सो रहे थे तभी महिमा उनके कमरे में आकर दोनों को जगाती है और कहती है, हैप्पी बर्थडे निया, मेरी बेटी हमेशा खुश रहे। आज मेरा जन्मदिन है, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? क्योंकि मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहती थी। निया, नहा धोकर तैयार हो जाओ और अकीरा के साथ मंदिर हो आना, मैं अपने काम पर जा रही हूँ, आते वक्त तुम्हारे लिए केक लेकर आऊंगी। दोनों बहनें बहुत खुश होती है। महिमा जल्दी से अपना काम खत्म कर लेती है और अपने मन में सोचती है, आज मैंने जल्दी काम खत्म कर लिया है, नदी के उस पार केक की बेकरी है, अभी अंधेरा नहीं हुआ है, जल्दी से केक ले आती हूँ। इतना सोचकर महिमा केक लेने चली जाती है। आते वक्त महिमा के पैर में सांप काट लेता है, जिसके बाद नदी के कोने पर ही महिमा की मौत हो जाती है। परी लोग की शिखा परी ये देख लेती है और उसी वक्त महिमा के पास आती है। इस औरत की तो मौत हो गई है। शिखा परी महिमा के दोनों हाथ पकड़ती है और अपनी आंखें बंद करती है, जिसके बाद शिखा परी को महिमा के घर और उसकी दोनों बेटियों के बारे में पता चल जाता है। अरे नहीं, आज तो इसकी छोटी बेटी का जन्मदिन था और आज के दिन इसकी मौत हो गई। मैं इसी वक्त इसके घर जाती हूँ और इसकी दोनों बेटियों को इस बारे में बताती हूँ। सबसे पहले शिखा परी मामूली सी केक को जादुई केक बना देती है, उसके बाद वो केक लेकर महिमा के घर जाती है। आप कौन हो? मेरी बहन के लिए केक तो मेरी माँ लेकर आने वाली थी, फिर आप केक लेकर क्यों आई हो? सांप के काटने की वजह से तुम्हारी माँ की मौत हो गई है, उनके पास ही केक था और मुझे पता चल गया कि उनकी छोटी बेटी का जन्मदिन है, इसलिए मैं केक लेकर आई हूँ। ये सुनकर दोनों बहनें फूट फूट कर रोने लगती हैं। मेरे जन्मदिन के दिन मेरी माँ हमें छोड़कर चली गई। अच्छा होता कि माँ जन्मदिन का केक लेने के लिए उस तरफ जाती ही नहीं। माँ के सिवा हमारा इस दुनिया में कोई नहीं है, माँ आप हमें अकेले छोड़कर क्यों चली गई? शांत हो जाओ दोनों, तुम्हारी माँ अगर तुम दोनों को रोते हुए देखेंगी तो कभी भी उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। ये लो केक, तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए यही लेकर आ रही थी ना। मुझे नहीं चाहिए ये मनहूस केक, इसी के वजह से माँ हमें छोड़कर चली गई। ठीक है मत लो, लेकिन मैं इसे यहीं छोड़कर जा रही हूँ। शिखा परी केक को वहीं रख देती है और खुद वहाँ से चली जाती है। अकीरा, चल इस केक को उस नदी में फेंक कर आते हैं जहाँ हमारी माँ को सांप ने काटा था।
उसके बाद दोनों बहनें नदी के पास जाती है और केक फेंक देती है। लेकिन तभी केक फेंकते ही नदी में एक पेड़ बन जाता है जिसके ऊपर कई सारे केक थे। उसी वक्त फिर से शिखा परी वहाँ प्रकट हो जाती है और बोलती है, मैंने अपने जादू से इस मामूली केक को जादुई केक बना दिया था। मैं जानती थी कि मैं तुम्हारे घर में केक रख कर जाऊंगी तो तुम उसे यहाँ फेंकने जरूर आओगी। मैं चाहती तो पहले ही तुम्हें इस जादू के बारे में बता सकती थी, लेकिन मैंने सोचा कि तुम अपने आँखों से इसका चमत्कार देखो। मुझे तो अपने आँखों के ऊपर विश्वास ही नहीं हो रहा। ये जादुई केक का पेड़ बस तुम दोनों को ही नजर आएगा। तुम दोनों जितने चाहो यहाँ से केक लेकर जा सकती हो। उसके बाद तुम्हें केक का जो करना होगा करना। अब तुम्हें कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। तुम्हें जब भी मेरी जरूरत हो तो मुझे बुला लेना। इतना बोलकर परी वहाँ से चली जाती है। निया चल पहले घर चलते हैं। पहले हमें अच्छे से सोच लेना चाहिए कि हम इतने सारे केक का क्या करेंगे। उसके बाद दोनों बहनें अपने घर जाती है और कुछ देर तक सोचती है। कुछ देर तक सोचने के बाद अकीरा कहती है, क्यों ना हम एक बड़ी सी केक की बेकरी खोलें? हाँ ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। इस तरह दोनों बहनें नदी के जादुई पेड़ के केक का एक बेकरी खोलने का फैसला कर लेते हैं। हर रोज दोनों बहनें नदी के पास जाती थी और केक लेकर बेकरी में रख देती थी। दोनों बहनों का केक बहुत स्वादिष्ट था, इसलिए सभी लोग उनसे केक लेने आया करते थे। एक दिन एक औरत बेकरी पर आती है और दोनों बहनों से कहती है, तुम्हारा केक तो बहुत स्वादिष्ट होता है। पहले हमें केक लेने के लिए नदी के पार जाना पड़ता था, लेकिन जब से तुम दोनों ने गांव में बेकरी खोली है हमारा ये काम आसान हो गया। भगवान तुम दोनों का भला करे। उसके बाद वो औरत दो केक लेकर वहाँ से चली जाती है। अब दोनों बहनों के पास किसी चीज की कमी नहीं रहती है और दोनों बहुत खुशी से एक साथ रहने लगे थे। एक दिन अकीरा बाजार से सामान लेकर घर लौट रही थी, तभी वो सड़क के कोने पर गरीब लोगों को बैठकर भीख मांगते हुए देखती है। ये लोग तो बहुत गरीब हैं। अगर परी हमारी मदद नहीं करती तो आज मेरा और मेरी बहन का भी यही हाल होता। मैं इनकी मदद जरूर करूंगी। इतना सोचकर अकीरा घर जाती है और निया से कहती है, निया गांव में बहुत गरीब लोग हैं जो दो रोटियों के लिए भीख मांगने को मजबूर हैं। हमारे पास अब सब कुछ है, इसलिए हमें इन लोगों की मदद करनी चाहिए। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। हम कल ही जाएंगे और गरीब लोगों को खाने के साथ साथ कुछ पैसे भी देकर आएंगे। अगले दिन दोनों बहनें गरीब लोगों के बीच जाती है और उन्हें खाने के साथ साथ पैसे देती है। तभी दो लड़कियां ये देखती है और आपस में बात करने लगती है। अभी कुछ महीने पहले ही इनकी माँ की मौत हो गई थी। इतने कम समय में ही ये दोनों इतने अमीर कैसे हो सकते हैं? हमें इसके बारे में पता लगाना चाहिए। हाँ सोनम, हम इन दोनों बहनों पर नजर रखते हैं, उसके बाद ही हमें कुछ पता लग सकता है। दोनों सहेलियाँ दोनों बहनों पर नजर रखने की सोचती है। दोनों बहनें अपने घर के अंदर बैठकर बातें कर रही होती है। निया, नदी के जादुई केक के पेड़ ने सच में हमारी बहुत मदद की है। खिड़की के बाहर खड़ी दोनों सहेलियां ये सुन लेती हैं। अच्छा तो नदी में जादुई केक का पेड़ है। हमारे गांव में तो एक ही नदी है, कहीं उसी नदी की तो बात नहीं कर रहे ये दोनों। हो सकता है कल सुबह जब दोनों बहनें वहां से केक लेने जाएंगी तो हम भी इनका पीछा करते हुए जाएंगे। अगले दिन दोनों बहनें नदी के जादुई केक के पेड़ से केक लेने जा रही थी और उनके पीछे पीछे दोनों सहेलियां भी जा रही थी। दोनों सहेलियां देखती है कि जैसे ही दोनों बहनें केक लेती है जादुई पेड़ वहां से गायब हो जाता है। मीनू ये तो इन दोनों बहनों को ही दिखाई देता है, चल हम इससे जादुई केक छीन लेते हैं। इतना सोचकर दोनों सहेलियां दोनों बहनों के पास जाती है और उनसे जादुई केक जबरदस्ती लेने लगती है। दोनों सहेलियां केक ले लेती हैं, लेकिन तभी जादुई केक से उन्हें जोर जोर से बिजली के झटके लगने लगते हैं। अरे मीनू ये तो बिजली के झटके देती है, छोड़ देते हैं इसे यहीं। चल भाग यहाँ से जल्दी। दोनों सहेलियां डरकर अपने घर चली जाती हैं।
उसके बाद से कभी भी दोनों सहेलियां दोनों बहनों को तंग नहीं करती हैं। इस तरह फिर से पहले की तरह सब कुछ ठीक हो जाता है और दोनों बहनें एक साथ हंसी खुशी जीवन व्यतीत करने लगती हैं। बहुत समय पहले की बात है, परीलोक में कश्मीरा नाम की एक परी रहती थी। कश्मीरा परी बहुत ही ज्यादा गरीब थी। कश्मीरा परी दिखने में बहुत ही ज्यादा काली थी, साथ में उसके चेहरे पर बहुत सारे दाग थे और सर पर बाल भी कम थे। लेकिन कश्मीरा परी के पंख बहुत बड़े और खूबसूरत थे। पूरे परीलोक में किसी के भी पंख इतने सुंदर नहीं थे। उन पंखों की मदद से कश्मीरा परी यहाँ वहाँ घूमती रहती थी। परीलोक की बाकी सभी परियाँ कश्मीरा परी को काली और गंजी बोलकर चढ़ाती रहती थी। एक दिन की बात है, कश्मीरा परी उड़ते उड़ते कहीं जा रही थी, तभी उसे आसमान में दो परियां मिलती है। उनमें से एक परी कहती है, अरे वो देखो, कश्मीरा परी उड़ रही है, काली और गंजी कहीं की। कश्मीरा परी तो इतनी काली है, तेरे से शादी कौन करेगा। ऐसी बातें कश्मीरा परी को अक्सर सुनने को मिलती थी, परंतु वो ये सब सुनकर भी चुप रहती थी। उसे पता था कि एक न एक दिन तो उसे जरूर कोई शादी करेगा। इसी उम्मीद में वो अपने दो बड़े बड़े पंख फैलाकर उड़ती रहती थी। इसी तरह एक दिन कश्मीरा परी अपने बड़े बड़े पंख फैलाकर आसमान में उड़ रही थी, तभी उसकी मुलाकात रानी परी के बेटे युवराज से हुई। युवराज भी आसमान में घूम रहा था। कश्मीरा के दो सुंदर बड़े बड़े पंख देखकर उसे बहुत अच्छा लगा। वो मन ही मन सोचता है, अरे ये कौन है, मैंने तो इसे परीलोक में पहली बार देखा है, इसके पंख कितने ज्यादा खूबसूरत लग रहे हैं। इतना सोचकर युवराज कश्मीरा परी के पास जाता है और उससे कुछ बातें करता है। इसी तरह अब युवराज और कश्मीरा परी का मिलना जुलना शुरू हो गया था। इसी तरह काफी दिनों तक मिलते मिलते उन्हें एक दूसरे से प्यार हो जाता है। उसके बाद एक दिन युवराज कश्मीरा परी से कहता है, कश्मीरा मुझे ऐसा लगता है मैं तुमसे प्रेम करने लगा हूँ, क्या तुम मुझसे विवाह करोगी। ये आप कैसी बातें कर रही हैं युवराज, भला आपको कोई विवाह के लिए मना क्यों करेगा। हाँ मैं आपसे विवाह करने के लिए तैयार हूँ। उसके कुछ ही दिनों बाद युवराज कश्मीरा परी से शादी कर लेता है और उसे अपने घर ले आता है। कश्मीरा परी युवराज के साथ विवाह होने पर बहुत खुश थी, पर जब वो अपने ससुराल जाती है तो उसे देखकर रानी परी यानी कि गायत्री बिल्कुल भी खुश नहीं होती। वो गुस्से में युवराज से कहती है, ये किसको उठा कर ले आया बेटा तू। ये मेरी पत्नी है माँ, मैं इससे प्यार करता हूँ और हम दोनों ने शादी कर ली है। क्या तू इसे प्यार करता है, शक्ल देखिए तूने इसकी, कितनी ज्यादा बदसूरत है, काली तो इतनी है जैसे किसी ने इसको आग में पका दिया हो। तो इसे हमारे घर की बहू बना कर लाया है, शर्म नहीं आई तुझे, तूने हमारी नाक कटवा कर रख दी। रानी परी के ऐसे कटु वचन सुनकर युवराज को बहुत बुरा लगता है, लेकिन युवराज से भी ज्यादा कश्मीरा परी को बुरा लगता है, क्योंकि उसने सोचा था कि शादी के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। रानी परी का ऐसा व्यवहार तो उसके दिमाग में आया ही नहीं था। शादी के बाद कश्मीरा घर की बहू नहीं नौकरानी बन गई थी। रानी परी ने कसम खा ली थी कि वो कश्मीरा परी को अपने घर से रफा दफा करके ही रहेगी। ये सोचकर रानी परी ने युवराज के कुछ दोस्तों को घर पर बुलाया और उनसे कहा, मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम लोग युवराज के बहुत अच्छे दोस्त हो, वो तुम लोगों की बात जरूर मानेगा। तुम लोग जब भी युवराज से मिलोगे तब सिर्फ और सिर्फ कश्मीरा की बुराई करना। युवराज के दोस्त रानी परी की बात अच्छे से मान गए और अब वो लोग वही करने लगे वो जब भी युवराज से मिलते एक ही बात बोला करते थे। क्या यार युवराज, तू रानी परी का बेटा है, परीलोक की बहुत सारी परियां तुझ पर मरती हैं, उसके बावजूद तूने कितनी बदसूरत परी से शादी कर ली है, दिखने में वो कितनी काली है और ना ही सर पर बाल हैं, हमें तो उसे भाभी कहने में भी शर्म आती है, पता नहीं तुझे उससे कैसे प्यार हो गया। तभी युवराज के दूसरी दोस्त बोलती है, हाँ यार तू सही कह रहा है, मैं तो सोच रही हूँ अगर युवराज की पसंद इतनी बुरी है तो मैं इसके साथ रहना छोड़ दूँ, मुझे लगता है हमें युवराज से दोस्ती तोड़ देनी चाहिए।
अपने दोस्तों के मुंह से रोज एक ही बात सुन सुनकर युवराज का भी सर घूमने लगता है और उसे भी उनकी बातें सही लगने लगती है। उसे भी अब धीरे धीरे कश्मीरा परी से घिन आने लगती है। उधर दूसरी तरफ रानी परी कश्मीरा के साथ नौकरानियों जैसा बर्ताव करने लगती है। वो अपने महल की बाकी सभी नौकरानियों को छुट्टी दे देती है और कश्मीरा परी से घर का सारा काम करवाती है। बेचारी कश्मीरा चुपचाप घर का सारा काम कर दिया करती थी और छोटी छोटी गलतियों पर रानी परी कश्मीरा को पीट भी दिया करती थी। इसी तरह एक दिन कश्मीरा परी से एक गुलदस्ता टूट जाता है, जिस वजह से रानी परी गुस्से में कश्मीरा परी से कहती है, करमचली तूने कभी इतना महंगा गुलदस्ता देखा भी है? एक काम ठीक से नहीं होता है इससे, अभी बताती हूँ तुझे, रुक। इतना कहकर कश्मीरा परी की सास यानी कि रानी परी उसकी खूब पिटाई कर देती है। मत मारिए सासू माँ, मुझे मत मारिए। कश्मीरा बहुत रोती है पर रानी परी को उस पर बिल्कुल भी दया नहीं आती। थोड़ी देर बाद जब युवराज वापस घर लौटता है तो कश्मीरा परी युवराज को सारी बात बताती है। देखो ना जी, तुम्हारी माँ मुझे हर वक्त मारती रहती है और मुझे हमेशा रोकती टोकती रहती है। तभी युवराज गुस्से में कश्मीरा का जवाब देते हुए कहता है, सही तो करती है, तेरे साथ यही करना उचित है। पता नहीं वो कौन सी मनहूस घड़ी थी जो मैंने तुझसे शादी कर ली। युवराज की बातें सुनकर कश्मीरा समझ जाती है कि अब उसकी इस घर में कोई जगह नहीं है। अब इसी तरह वक्त बीतने लगता है। कुछ समय बाद कश्मीरा को पता चलता है कि वो गर्भवती है। उसे जिंदगी जीने की एक उम्मीद मिल जाती है। जब ये बात परिवार वालों को पता चलती है तो रानी परी युवराज से कहती है, कोई बात नहीं बेटा, 9 महीने और रख लेते हैं इसको अपने घर में। जब ये एक सुंदर से बेटे को जन्म देगी तो उस बेटे को रखकर हम इसको घर से निकाल देंगे। लेकिन रानी परी के सोच अनुसार कुछ भी नहीं हुआ। 9 महीने बाद कश्मीरा ने एक बेटी को जन्म दिया। जब रानी परी को पता चलता है कि कश्मीरा परी ने लड़की को जन्म दिया है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। वो गुस्से में कहती है, ये कैसी औरत है जो एक लड़के को भी जन्म नहीं दे सकती है? मुझे कुछ नहीं पता युवराज, अब मैं तेरी शादी किसी और परी से करवा कर ही रहूंगी। तुम सही कह रही हो माँ, मैं भी दूसरी शादी के लिए तैयार हूँ। युवराज की ये बात सुनकर रानी परी खुश हो जाती है और पायल नाम की एक परी से अपने बेटे युवराज की शादी करवा देती है। पायल दिखने में कश्मीरा से बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी, परंतु उसे अपनी खूबसूरती पर बहुत घमंड था। शादी करके आते ही वो कश्मीरा पर अत्याचार करने लगती है। वो कश्मीरा से हाथ पैर दबवाने लगती है। कश्मीरा कर भी क्या सकती थी, वो चुपचाप ये सब सहती रहती है। इसी तरह एक दिन कश्मीरा पायल के सर की मसाज कर रही थी, तभी कश्मीरा के नाखून एकदम से पायल के सिर पर लग जाते हैं। बस इतनी सी बात पर पायल बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। गंजी बदसूरत कहीं की, मैं तेरी सारी चाल समझ गई। तू मुझे भी अपनी तरह बनाना चाहती है ना? जलती है ना तू मुझसे? रुक जा, अभी तुझे इस घर से बाहर निकालती हूँ। इतना कहते हुए पायल कश्मीरा को मारते हुए घर के आंगन में ले आती है। कश्मीरा अपनी बेटी को गोद में उठा लेती है। इतने में वहाँ पर युवराज और रानी परी भी आ जाती है। रानी परी एक चाकू से कश्मीरा के पंख काटने के लिए आगे बढ़ती है। नहीं नहीं माँ जी, ऐसा मत कीजिए, मेरे पंख मत काटिए। खूबसूरत पंख के अलावा तेरे पास और कुछ तो है नहीं, ना रूप ना रंग, फिर इतने सुंदर पंख लेकर क्या करेगी तू? ये ले। ऐसा कहकर रानी परी कश्मीरा के पंख काट देती है। कश्मीरा सिसक सिसक कर रोने लगती है। उसकी गोद में उसकी बेटी थी, उसका नाम चांदनी था। कश्मीरा चांदनी को गोद में ली हुई खड़ी थी। रानी परी धक्के मारकर दोनों को घर से बाहर निकाल देती है। रानी परी का बेटा युवराज भी कश्मीरा को कोसने लगता है। निकल जा इस घर से, इस घर में तेरे जैसी नालायक काली परी के लिए कोई जगह नहीं है। तभी पायल भी कहती है, आज के बाद इस घर में लौटने के बारे में कभी सोचना भी मत। उसके बाद पायल दोबारा से कश्मीरा को धक्का मार देती है। फिर कश्मीरा गिर जाती है और पायल दरवाजा बंद कर देती है। कश्मीरा चांदनी को गोद में लिए हुए रोने लगती है, लेकिन वो सोचती है कि कुछ भी हो जाए उसे तो जीना ही होगा, अपनी बेटी के लिए जीना होगा। ये सोचकर वो खड़ी हो जाती है और पैदल चलकर जंगल में पहुंच जाती है। सभी लोग मुझसे इतनी बुरी तरह से बात करते हैं, उससे अच्छा तो ये जंगल है।
तभी कश्मीरा को एक बच्चे के रोने की आवाज आती है। कश्मीरा उस आवाज का पीछा करते हुए एक पेड़ के पास पहुंचती है। वो देखती है कि एक नन्ही सी परी एक पेड़ के नीचे गिरी हुई है और उसके सिर से खून आ रहा है और उसके बगल में ही बहुत सारे पैसे पड़े हुए हैं। बचाओ, कोई मुझे बचाओ। क्या हुआ है तुम्हें? मेरे सिर पर चोट लग गई है, मुझे बचा लो। कश्मीरा अपनी बेटी को नीचे रखकर उस छोटी परी को गोद में उठा लेती है और उसके घाव साफ कर देती है। उसके बाद दो दिनों तक कश्मीरा उसकी सेवा करती है और उसको पूरी तरह से ठीक कर देती है। तभी एक चमत्कार हो जाता है, वो छोटी परी परियों की देवी में बदल जाती है। कश्मीरा, मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रही थी, मैं परियों की देवी हूँ। तू इतनी ज्यादा दुखी है और तुझे बहुत पैसों की जरूरत है, लेकिन फिर भी तूने जमीन से एक भी पैसा नहीं उठाया और एक जख्मी परी की जान बचाने की कोशिश की। मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुझे वरदान देती हूँ कि तू जब जितना पैसा चाहेगी तेरे पास उतना पैसा आ जाएगा और तू बहुत खूबसूरत हो जाएगी। इतना ही नहीं, तेरे सुंदर पंख भी लौट आएंगे, तथास्तु मेरी बच्ची। ये बोलकर परियों की देवी अदृश्य हो जाती है। एकदम से कश्मीरा बहुत खूबसूरत हो जाती है और उसके पंख भी लौट आते हैं। उसके पास बहुत सारे पैसे भी आ जाते हैं। उसके पास शक्तियाँ भी आ जाती है। अपनी शक्तियों से वो जंगल में ही एक घर बनाती है और अपनी बेटी के साथ उसी घर में रहने लगती है। जब ये बात रानी परी को पता चलती है कि अब कश्मीरा खूबसूरत और बहुत पैसे वाली हो गई है, तब उसे बहुत जलन होने लगती है और उसको भी पैसे का लालच होने लगता है। पैसों के लालच में आकर रानी परी, युवराज और पायल तीनों जंगल में आते हैं और कश्मीरा परी को डराते हैं। कश्मीरा की बच्ची, बता तेरे पास इतना पैसा कहाँ से आया और तू इतनी खूबसूरत कैसे बन गई? हाँ, जल्दी बता, नहीं तो हम तुझे यहीं मार डालेंगे। मुझे कुछ मत कीजिए, ये सब तो मुझे इस जंगल से मिला है, इस जंगल में ही सब कुछ है। आप लोग ढूंढिए, आप लोगों को भी मिलेगा। ये सुनकर तीनों जंगल में इधर उधर घूमने लगते हैं। फिर तीनों को एक छोटी परी के रोने की आवाज़ सुनाई देती है। वे लोग छोटी परी के पास जाते हैं और देखते हैं कि वो बहुत ज्यादा घायल है और उसके बगल में बहुत सारा धन रखा हुआ है। तभी रानी परी कहती है, ये रहे पैसे, इस छोटी परी को रहने दो, ये तो वैसे भी मरने वाली है, हम पैसे लेकर घर चलते हैं। वो तीनों पैसे उठाकर आगे जाने लगते हैं। तभी वो छोटी परी परियों के देवी के रूप में बदल जाती है। तुम लोग बहुत लालची हो, मैं तो तुम लोगों की परीक्षा ले रही थी। पैसों के लिए तुम लोग किसी को भी हानि पहुंचा सकते हो। मैं तुम तीनों को श्राप देती हूँ, तुम लोगों के पास जो कुछ भी है सब गायब हो जाएगा। तुम लोग बदसूरत हो जाओगे और तुम लोगों के पंख भी टूट जाएंगे। इतना कहकर परियों की देवी अदृश्य हो जाती है। उन लोगों के पास जो कुछ भी था सब कुछ गायब हो जाता है। वो तीनों बदसूरत हो जाते हैं और उनके पंख भी टूटकर गिर जाते हैं। इसी बात से दुखी होकर तीनों के तीनों पानी में डूबकर अपनी जान दे देते हैं। कश्मीरा परी को इंसाफ मिलता है और वो अपनी बेटी के साथ जंगल में खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगती है।